हेलो बच्चों, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, तो मोटर एंड जनरेटर में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है हमारे सिलेबस में। तो आपके जो सिलेबस में है दैट इज द डीसी मोटर, और जनरेटर जो है दैट इज द एसी जनरेटर। तो सबसे पहले आप लोग को ये डिफरेंस जानना पड़ेगा कि सर एसी और डीसी है क्या, है ना। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है और एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहे, है ना। एसी एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं आपको कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या, तो लिख देता हूं मैं यहां पे, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट सर्किट इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डीसी डायरेक्ट करेंट क्या होता है? डायरेक्ट करेंट हम उनको बोलते हैं व्हेन डायरेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, कॉन्स्टेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि लाइक वो जो है ना अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। मतलब आपको एक एग्जांपल मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एसी का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो इस तरीके का बनता है, और डीसी का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो एकदम बोल सकते हो आप लोग ये अल्टरनेटिंग करंट वैसे करंट है जिसपे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो दोनों चेंज होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और डीसी का कॉन्स्टेंट होता है और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो आपको डीसी मोटर और एसी जनरेटर के बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो भी है वो इसी बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर से। ठीक है, तो डीसी मोटर का आपको एग्जांपल मतलब डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा, आपको डायग्राम शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ बारी बारी से, ये पार्ट है क्या, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट ले लिया। यहाँ पे देखिए ये परमानेंट मैग्नेट है, ये और ये आपका। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता कैसे, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे अगर दो मैग्नेट हमने रख दिया, उसके बीच में स्पेस है, स्पेस के बीच में हम लोगों ने क्या डाला, ये हम लोगों ने आर्मेचर डाला। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको आर्मेचर बोलते हैं। इसका काम क्या है और होता क्या है ये अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखते हैं। ये दो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो क्वाइल लगा हुआ है इसको बोलते हैं आर्मेचर क्वाइल। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। तो मैं लिख देता हूँ, आर्मेचर क्वाइल।
अभी आर्मेचर कोयल बना किस चीज का होता है? एक्चुअली है ना, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, और उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है, मतलब कॉपर वायर लिपटा हुआ होता है। अब तुम बोलोगे सर ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है क्या? सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का काम करता है। समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का काम करता है, और कॉपर वायर से वो लिपटा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्प्लिट रे, ये जो है ना ये सेमी सर्कुलर वाला, ये देखिए और ये वाला, इसको बोलते हैं स्प्लिट रे, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये रिवर्स करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है आफ्टर 180। मैं अभी बताऊंगा, अभी वर्किंग में जब आपको बताऊंगा तो यूज भी बताऊंगा स्प्लिट रिंग का क्या है। उसके बाद देखिए ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये ब्रशेस है B1 एंड B2, और फिर हमारा ये हमारा जो सप्लाई है DC सप्लाई जो यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग। अब आपको मैं यहाँ पे ये बताना जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने पावर सप्लाई दिया, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, यहाँ से करंट स्टार्ट किया फ्लो होना, ये देखिए करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट तो फ्लो कर रहा है सर, तो ये जो आपका रोटेशन है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो सर ये आपने कैसे ले लिया, आपने कैसे मान लिया कि ये जो रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है? आपको सपना आया क्या? सपना तो नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बताएगा कि लाइक हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या आर्मेचर हमारा घूमेगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा घूमेगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं। कैमरा में ऑन करता हूँ, आई थिंक मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कैसे करते हैं, ये आप कर रहा है लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, सबसे पहले आप लोग देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, फादर मदर एंड चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि डायरेक्शन किधर है, तो आपका नॉर्थ टू साउथ था, तो रख दो मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। उसके बाद देखो करेंट का डायरेक्शन क्या था, करेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, ठीक है। तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ था ए टू बी, तो देखो फोर्स किधर हो गया, नीचे की तरफ, इसलिए वो ये ऐसे आर्मेचर रखा हुआ था तो ऐसे ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इधर की तरफ आ जाओ, ए टू बी फिर सी टू डी, इधर तरफ आ जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब करेंट का डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ, तो फोर्स देखो ऊपर की तरफ लगा, तो ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर आएगा। इसमें अभी बताया ना ऐसे था, तो ये वाला पार्ट ऐसे आएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर ही आएगा, इसमें फोर्स नीचे लग रहा है तो इससे फोर्स ऊपर लग रहा है, तभी ऐसे रोटेट करेगा, क्लियर। आप लोग एक बार यहाँ पे डायग्राम में भी मैं बता देता हूँ साइड से, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ है, और हमारा करंट ए टू बी है, डायग्राम पे देखो ए टू बी है, तो देखो ध्यान से करंट हमारा उधर जा रहा है ए टू बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आ जाओ सी टू डी में, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई चेंज नहीं, उधर ही है, नॉर्थ टू साउथ ही है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन देखो इस बार है ना इधर है, सी टू डी मतलब मेरी तरफ, तो फोर्स देखो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियस से बात है ऊपर फोर्स लगेगा तभी तो ये उठेगा ना, ऊपर फोर्स लगेगा, ये नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर है डायरेक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन देख लिया कि ये कैसे रोटेट करेगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ,
अब मैंने क्या करा कि मैंने बोला कि अब ये रोटेट होकर के इधर को आ गया, तो ये बन गया डी, ये आपका बन गया क्या सी, ये बन गया आपका ए, और ये आपका बन गया बी, मतलब 180 डिग्री अभी मूव कर गया ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ये हमारा ब्रशेस जो है वो एकदम सेम रहेगा, मतलब ब्रशेस चेंज नहीं होगा, बट चेंज हमारा जो ये स्प्लिट रिंग जो है ना यहाँ पे, जैसे क्या डायग्राम पे क्या नाम है, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। अच्छा R1 R2 लिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं, तो यहाँ पे डी लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है, ये R1 R2 है। तो अब यहाँ पे जब ये घूम करके आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1, स्प्लिट रिंग का बोल रहा हूँ, ठीक है, स्प्लिट रिंग, ये अब R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का पहले करंट का डायरेक्शन ए टू बी था, है ना, करंट का डायरेक्शन ए टू बी था, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, बी टू ए हो गया, आया समझ में। पहले देख लो, मैं यहाँ पे एक बार और अच्छे से ड्रॉ करके बता रहा, ये आर्मेचर कॉइल था, ठीक है, ये स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो। अब ये ब्रशेस है आपका, ठीक है, और ये आपका पावर सप्लाई, ठीक है, करंट गया इधर से, करंट गया इधर से, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको, पहले क्या था ए बी सी, तो पहले ए टू बी करंट, ए टू बी फ्लो कर रहा था, ठीक है, फिर सी टू डी फ्लो कर रहा था, तो ये तो डायरेक्शन देख लिया था, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। चलो अब नाम दे देते हैं यहाँ पे, स्प्लिट रिंग R1 R2 देता, R1 एंड R2, ठीक है। तो जैसे ये 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा, तो अब इसका नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये बन गया डी, ये बन गया सी, ये बन गया डी और ये बन गया सी, और जो ये डी सी था वो बन जाएगा ए और बी, ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, उस समय हमारा जो डायरेक्शन था करंट का डायरेक्शन, देखो इसको मैं रखता हूँ, देखो स्टार्टिंग में हमारा जो डायरेक्शन था वो ए टू बी था, है ना, अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या हो गया, बी टू ए, क्लियर है। तो स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है कि स्प्लिट रिंग कर क्या रहा है, देखो S1 S2 जो है ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, R1 R2 S1 S2 नहीं, यहाँ पे R1 R2 मैंने दे रखा है, R1 एंड R2 वो कर क्या रहा है, रोटेशन का जो सेंस है उसको सेम रख रहा है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि स्प्लिट रिंग एंड कम्यूटेटर कर क्या रहा है, स्प्लिट रिंग बोल दो या कम्यूटेटर बोल दो एक ही बात है, वो कर क्या रहा है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, ऐसे बोल दो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन बोलो साइकिल रोटेशन, क्लियर है, जिसको 180 डिग्री हम लोग बोलेंगे, 180 डिग्री में वो चेंज करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मैंने चेंज किया था तो स्प्लिट रिंग मैंने चेंज किया था, यहाँ पे नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1, ब्रशेस चेंज नहीं होगा, याद रखना ये B1 एंड B2 ही रहेगा, ब्रशेस चेंज नहीं होगा। स्प्लिट रिंग देखो यहाँ पे क्या, जब A टू B का डायरेक्शन होगा तो ये R1 है, ठीक है, और जब ये हमारा इधर को आएगा तो स्प्लिट रिंग भी इधर साथ में ही आएगा इसके, ठीक है, तो R1 हो गया, क्लियर है।
तो आर वन एंड आर टू जो हमारा स्प्लिट रिंग है वो करके आ रहा है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, इसका काम ही यही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लगाते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई अगर पूछ दिया कि अच्छा बताओ कि डीसी मोटर जो तुम पढ़ रहे हो वो है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो डीसी मोटर का काम है क्या, डीसी मोटर का काम ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, तो हमने अभी इसको जो सप्लाई दिया तो करंट फ्लो कर रहा है ना जी, इलेक्ट्रिसिटी दी हमने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, क्या दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये देखा कि ये जो आर्मेचर है वो रोटेट करेगा, घूमेगा, तो घूमने से मान लो यहाँ पे हमने कुछ टर्बाइन लगा दिया, टर्बाइन यहाँ पे मान लो लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये घूमने लगेगा, घूमने से क्या निकलेगा, तुम बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये घूमने से क्या हुआ कि हमें मिला मैकेनिकल एनर्जी, क्या मिल गया हमें, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? तो डीसी मोटर बेसिकली क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसने क्या कन्वर्ट करके हमें दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर ये जो टर्बाइन आपने यहाँ पे लगाया है, अगर मुझे सर और स्पीड में इसको घुमाना हो, मतलब कि मुझे और स्पीड चाहिए इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे वेज, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो वैसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा, उसका रोटेशन जो है, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, करंट, अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तब भी उसका क्या होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। फिर थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स किसका, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया वो क्या नाम है, जो आप सॉफ्ट आयरन कोर है ना उसके ऊपर आप जो कॉपर की वो कर रहे थे, वाइंडिंग कर रहे थे, तो उसके अगर नंबर ऑफ टर्न्स तुम बढ़ा दोगे तो रोटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या करना है, आपको एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज कर देते हो, अगर एरिया ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर देते हो तो ऑब्वियस से बात है अगर एरिया ऑफ कॉइल ज्यादा इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उससे पास होगा, है ना, तो उससे क्या होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन और बढ़ जाएगा। तो ये चार ऐसे फैक्टर है जिसके कारण हम स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है कि सर इसको याद कैसे करके रखेंगे, तो आप इसको मीना, एम से एम ले लो, करेंट से आई ले लो, और नंबर ऑफ टर्न से एन ले लो, और एरिया ऑफ कॉइल से ए ले लो। तो मीना अगर टर्म आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को डीसी मोटर को मैंने काफी अच्छे तरीके से बताया, बट हाँ एग्जाम में मैंने तो अभी समझा दिया आपको, बट एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको लिखना है डीसी मोटर, आपको हेडिंग डालना है, तो डीसी मोटर है क्या, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपने प्रिंसिपल लिखा, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा, पार्ट्स भी लिख देना और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, व्हाट आर द पार्ट्स वी आर यूजिंग इन द डीसी मोटर्स, तो वो लिख देना, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना, फिर वर्किंग लिखना। ठीक है, डायग्राम भी, नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाना, उसके बाद कुछ उसके कमर्शियल यूजेस वगैरह भी लिख देना, दैट्स ओके, और एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो। तो जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है,
क्लियर है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया। अगर आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसी जनरेटर को। ठीक है, ये रहा बच्चों एसी जनरेटर का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सर एसी जनरेटर करता क्या है। तो यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए एसी जनरेटर करता क्या है, एसी जनरेटर जो है वो जस्ट उसका अपोजिट है डीसी मोटर का, है ना। एसी जनरेटर करता क्या है, एसी जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तुम बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये काम है आपका एसी जनरेटर का। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले ही जमाने में क्या होता था ना कि बैटरी से क्या होता था, हम लोग सप्लाई ले पाते थे, बट वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि हम लोग उसको लाइक यूज नहीं कर पाते थे, ज्यादातर लोग यूज नहीं कर पाते थे। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जाए जिससे हम लोग कम खर्च में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, तो अब जरा याद रखना, अगर कोई आपसे बोले कि क्या जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, नहीं, जनरेटर नेवर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। मैं लिख देता हूं, नेवर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर एग्जाम में आप लोग लिख दोगे कि जनरेटर इज अ डिवाइस बाय विच वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी तो गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना है कि जनरेटर क्या है, जनरेटर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये जनरेटर का काम है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और क्यों करता है, क्योंकि बैटरी सो एक्सपेंसिव था, अब उसी के उसको रिप्लेस करने के लिए हमने जनरेटर को मतलब इन्वेंशन हुआ इसका, ये लेके चलो। ठीक है, अब ये आप बोलोगे सर मैकेनिकल वर्क आप कैसे कर रहे हो सर इस पे जनरेटर पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप बोल सकते हो एक एक्सेल लगा होता है। अब इसको क्या करते हैं, वो हाथ से घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं तो उससे क्या होगा कि ये आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर आप लोगों को बता रखा है कि कॉपर वाइंडिंग, सॉफ्ट आयरन कोर है उसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग होती है, उसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करने से क्या हुआ, देखिए आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो फॉरन एग्जाम्पल, ये आर्मेचर, ठीक है, अब ये आर्मेचर में क्या हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने पास कर रहे हैं। ठीक है, और एक ऐसा ले लिया जिसपे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक भी पास नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर उसको टच करते हुए जा रहा है, पास नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं आपको एक अपना वीडियो ऑन करके समझाता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा आपको। क्या हुआ कि आर्मेचर पहले ऐसे, ठीक है, आर्मेचर ऐसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जो जा रहा है, ठीक है, एक दो तीन चार, ये ज्यादा जाएगा अगर ऐसी इस डायरेक्शन में अगर मैं आर्मेचर को रखूंगा। अगर मैंने आर्मेचर को ऐसे रख दिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसे जा रहा है, एक नीचे से टच करते हुए जा रहा है, मतलब कि एक भी इसको, एक भी इसके से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें कितने पास कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, पांच कर रहे हैं, छह कर रहे हैं, आठ कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। बट जब हम लोगों ने ऐसा रखा तो ऊपर से टच करता हुआ चला गया, यहाँ से टच करता हुआ चला गया, मतलब इससे पास नहीं कर रहा। क्लियर है? तो क्या हुआ कि जब भी हम आर्मेचर, जैसे कि देखो मैकेनिकल, देखो ऐसे करके हम लोग घुमाएंगे जनरेटर को, ऐसे घुमाएंगे तो जैसे इसको घुमाएंगे ये रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएंगे ये रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएंगे इसको घुमाएंगे ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे, मैं पूरा रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझो कि ऐसे करके जनरेटर को ऐसे घुमाएंगे, ये मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और ये घूमेगा। अब तुम बोलोगे सर ये घूमने से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो चेंज हो रहा है। पहले क्या हुआ, पांच मिल रहा था,
अब क्या हो, जैसे जैसे मैंने जनरेटर को ऐसे घुमाया तो ये क्या है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे मान लो ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे करके घुमाया, ये ऐसे चेंज हो, तो ऐसे था, तो जैसे जनरेटर को मैंने ऐसे घुमाया, ये ऐसे हुआ चेंज, ठीक है। तो जैसे चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले 5 जा रहा था, 6 जा रहा था, 8 जा रहा था, जो भी जा रहा था, अब ऐसे किया तो एक भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए बैक टू स्क्रीन। क्लियर है, क्या बोला आप लोगों कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, यहाँ पे मान लो कितना मैं बोल दूँ, यहाँ पे 5-6 बोल दो, 5 से 6 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं जा रहा। तो देखो चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ वाइट स्क्रीन पे, आप लोग हिंट के तौर पर समझ पाओगे आप, और आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। जब उन्होंने ऐसा रखा था जिसपे 4 से 5 जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रहे थे, ठीक है, जब उन्होंने ऐसा रखा तो उस पर एक भी पास नहीं कर रहा। हालांकि ये जो मैंने ड्रॉ करा, आप बोलो सर एक तो पास करवा दिया आपने, एक्चुअली वो टच करते हुए जा रहा है, उस पर पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया रहा है, यहाँ पे हो गया रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस, मतलब पहले 6 था, 6 से फिर 0 हो गया, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू दिस करंट प्रोड्यूस होता है, इससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस करंट। क्या देखा आप लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करने से क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट, उस करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मतलब होता है बिना टच किए हुए, तो हम लोगों ने टच भी नहीं करा, टच करा हम लोग, तो बस तो मैकेनिकल वर्क कर रहे थे, जनरेटर को घुमा रहे थे, फील्ड लाइन चेंज हुआ, आर्मेचर घुमा, आर्मेचर घूमने से फील्ड लाइन चेंज हुआ, फील्ड लाइन चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो गया, उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब इसी प्रोसेस को जो बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपका जो जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल में काम करता है, समझ में। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि एसी जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को एंड के तौर पे लिख देता हूँ, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMF, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है यार। चल अब इसके बाद हम लोग, अच्छा अब फिर बोलोगे सर एक एक चीज मैंने देखा था, जनरेटर जो मैं देखता हूँ तो वो इंसान क्या करता है कि सर 2 बार रोटेट करता है, 2 से 4 बार 5 बार लगाता है, फिर अपने आप से रोटेट होने लगता है ना, वो सर दिन भर थोड़ा लगा रहेगा उस पर। एक्चुअली देखो उस पर अब उसने क्या कर दिया कि उसने केमिकल एनर्जी मतलब डीजल डाल दी, ठीक है। तो डीजल डालने से वहां पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है, मैकेनिकल रूप डीजल जैसे डाला तो केमिकल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है कि खुद से, अगर मैंने डीजल उसके अंदर डाला तो डीजल की हेल्प से वो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने से एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी ही हो रहा है वहां पे, तो मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर तुम हाथ से घुमाना नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप डीजल उसमें डाल सकते हो, तो डीजल जो डाला वो क्या केमिकल एनर्जी, अब वो क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी, अब देखिए वर्किंग भी आप लोगों को बता दिया। अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे आप लोगों को जो देखना है वो है आर्मेचर का, वो लाइक किस किस पोजिशन पे कैसे कैसे होगा,
और ये जो एसी का जो हम लोग एसी जनरेटर जो लिख रहे हैं और उसका जो ग्राफ हम लोगों ने ऐसे करके बनाया था, ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा कैसे, और हम लोग इसी तरीके से बोल पाएंगे कि एसी जनरेटर इसलिए बोलते हैं कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये एक बार जीरो, फिर मैक्सिमम कैसे हुआ, फिर ये मिनिमम कैसे हुआ, फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम कैसे हुआ, फिर ये मिनिमम कैसे हुआ, है ना, ये ऐसे करेंगे, ये इसकी बात करेंगे। तो देखिए कैमरा मैं ऑन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ये मान करके चल रहे हैं कि आपका जो आर्मेचर है वो इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो अब इस पोजीशन पे है तो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है। तो नॉर्थ टू साउथ आने से जरा ध्यान से देखना, आपका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, तो मान लो पांच इसने लिया, ठीक है, तो जैसे ये ऐसे होगा, जैसे ये ऐसे होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आ ही रहा ना, अब तो ये जीरो ले रहा है, तो इनिशियल, अब जरा ध्यान से देखना, इनिशियल पोजिशन को हम लोग डिग्री लेके चलेंगे जीरो डिग्री, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, है ना, फिर 270 डिग्री, और फिर 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब अपने उसी पोजीशन पे आ जाने को 360 डिग्री बोले, क्लियर। तो स्टार्ट करना हम लोग को इस पोजीशन पे, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप खुद ब खुद इमेजिन करना कि ऐसे रखा हुआ है सबने, फिर सबने ऐसे रखा, मतलब जैसे 90 डिग्री बोलूंगा सब, देखो सुनो ध्यान से सुनो, पहले हम लोगों ने इस पोजीशन पे रखा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना जाएगा उसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, आगे क्लास में और डिटेल्स में पढ़ोगे, क्लास 12th में इसका डेरिवेशन गॉस वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें, ठीक है। तो अभी ये मान के चलो कि नंबर ऑफ, जैसे मान लो ये एक एरिया है, नंबर ऑफ मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास हो रहे हैं, मान लो 5 हो रहे, तो मैं लिख दूंगा वहां पे वैल्यू 5 हो रहे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ये रोटेट किया तो मैं बोलूंगा ये 0 डिग्री था, अब ये इधर आया, रोटेट करेगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 के बाद क्या आएगा, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर ऐसे वापस इस पोजिशन में आ जाएगा तो 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप लोग हिंट के तौर पे ये नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया, और अभी जो हमारा इसका जो पोजीशन है वो तो इस तरीके का है जो आपको मैंने बताया, ठीक है, तो इस तरीके का है, तो फ्लक्स जिसको हम लोग बोल रहे, ठीक है, फाइव, तो हमारा पहले में कितने है, 5 डिग्री, ठीक है, तो एंगल क्या था हमारा, थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, मतलब स्टार्ट कर रहे तो 0 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, फ्लक्स हो जा रहा है 0, क्योंकि हमने उसको रोटेट किया, दैट इज 90 डिग्री। मैं आपको ऑन करके फिर से एक बार इस चीज को समझाता हूँ, फ्लक्स ये है, ये आर्मेचर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं यहाँ पे, जा रहा है, ठीक है, तो ये जो जा रहा है तो हमने इसको अभी 0 डिग्री माना, स्टार्ट कर रहा था यहीं से, स्टार्ट कर रहा था 0 डिग्री है, ठीक है, फिर ये जो ऐसे रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, तो एक भी पास नहीं कर रहा, तो जब एक शिफ्ट होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना जी, एक शिफ्ट होता है, जैसे ऐसे था ये ऐसे आया, ऐसे था ऐसे आया, 90 डिग्री हुआ, क्लियर, तो एक भी नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स हमारा क्या है, 0 है, और एंगल क्या है, 90 डिग्री, इसी तरीके से। फिर देखिए अब हम लोग फिर बोलेंगे फाइव, इस बार हमारा फाइव होगा, थीटा हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, 180 डिग्री, ठीक है, फिर से ये 270 डिग्री पे जाएगा, फिर से ये फाइव कुल क्या हो जाएगा, 270 डिग्री पे जाएगा, तो फिर भी नहीं होगा कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, थीटा कुल 270 डिग्री, है ना, फिर आपका फाइव इक्वल्स टू 5 होगा, थीटा इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब जो भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है, अब देखो डायग्राम कैसे बनता है, ये डायग्राम कैसे,
हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखो फ्लक्स यहां से यहां, ठीक है, यहां से कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है, डिफरेंस डिफरेंस देखो ना, 5 का हो रहा है डिफरेंस, 5 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 0 से 90 डिग्री पे आ गए, ठीक है। तो जरा यार ध्यान देना, यहाँ पे हमारा ये स्टार्टिंग होगा, यहाँ से स्टार्टिंग हो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो, यहां से यहां आपको देखना, क्लियर। तो फिर ये आपका कितना, अच्छा हमारा स्टार्ट तो हम लोग इनिशियल से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा 5 का डिफरेंस हुआ, मैक्सिमम हुआ, तो ये आपका 90 डिग्री मैक्सिमम हो गया, ठीक है। फिर 5 से 5 माइनस हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से इसको डिफरेंस देखो, 5 5 0, तो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मिनिमम 90 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, 180 डिग्री पे मिनिमम। फिर आपको यहीं से कंपेयर करना है, मैं अब रेड वाला ले लेता हूँ, जब नीचे वाला साइकिल बनेगा ना कलर चेंज कर देता हूँ, रेड लीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से इसको 180 डिग्री तक कवर कर लिया था, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना, 5 है, यहाँ पे फ्लक्स कितना है, 0। डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 5 का आएगा, तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये 270 पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको इससे डिफरेंस निकालना, तो फ्लक्स देखो 5 है, यहाँ पे 5 है, 0 हो जाएगा, तो मिनिमम 0। अगर मान लो फ्लक्स 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा करंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ठीक है, हो जाएगा। देखा आपने कैसे किया हम लोगों ने, क्लियर। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है और यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, क्लियर है ये चीज, कैसे हमारा एसी वाला फॉर्म हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ कि करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंजेस के कारण हो रहा है, कितने आ रहे उससे नहीं हो रहा, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, पहले 5 हो रहा था फिर 0 हो जा रहा, तो ऐसे करके वो चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर तुम लोग उसको घुमाओगे ही नहीं, अगर चेंज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। इफ दिस स्टॉप, मतलब कि अगर उसको घुमाना स्टॉप कर दिया हमने, उसको घुमाना स्टॉप कर दिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर कॉन्स्टेंट होता है तो आपका जो आपने जो लोड लगा रखा था, देखो डायग्राम पे दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम पे लोड लगा रखा है, दैट इज बल्ब, वो ग्लो ही नहीं करेगा। ग्लो तब करेगा जब इस आर्मेचर में नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज करता रहेगा, जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज करेगा उतना ही अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो मैग्नीट्यूड देख लिया हम लोगों ने, अब हमारा बात होता है डायरेक्शन का। मोटर में हम लोगों ने क्या देखा था, मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है, और ये राइट हैंड, क्लियर है। तो मोटर में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे और एसी जनरेटर में राइट हैंड का यूज करेंगे। तो फोर्स ऐसे याद करके रखेंगे, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फोर्स फादर, एम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सी से करेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि जिस डायरेक्शन में ये घूमेगा, आर्मेचर आपका घूमेगा, जिस डायरेक्शन में आप घूमेगा उसी डायरेक्शन में आपको थंब को लेना है, ये याद रखना, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी हमने देखा कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको ले लो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो करेंट किधर हो गया, बाहर की तरफ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर इसको ए मान ले रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है, तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जिधर को घूमेगा आर्मेचर उधर को आपको थंब को लेना, तो ऐसे घूम रहा है फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, करंट किधर है, इधर की तरफ है, तो हमने ले लिया करंट जो है मेरा
ए से बी की डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि ये जो डायरेक्शन है वो कब तक सेम रहता है, 180 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री के बाद हम लोग जैसे ही रोटेट कराएंगे 270 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में 90 अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 270 होगा, तो 270 से फिर 360 में जाएगा तो वो डायरेक्शन हमारा चेंज कर जाएगा, ए टू बी, तो फिर बी टू ए हो जाएगा। वो आप लोग करके देखना है, यहाँ पे बस आप लोग को बता दिया राइट हैंड रूल यूज कैसे करोगे कि जिधर को आर्मेचर घूमेगा उधर को आपको थंब लेना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देख लो किस डायरेक्शन में, फिर करंट का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? फिर आइए, फिर और भी जो पार्ट्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्लिप रिंग क्यों है। अब देखो स्लिप रिंग क्यों यूज कर रहा है ये भी बता देता हूँ आपको वीडियो पे। एक्चुअल क्या है कि हम लोग है ना वायर से ये कनेक्ट किए हुए हैं ये बल्ब को, ये देखिए ये जो बल्ब है वो वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मान लो मैंने स्लिप रिंग यूज नहीं करा, मैं डायरेक्टली बल्ब से वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये घूम रहा है ना, तो घूमते घूमते क्या हो जाएगा, तार जो है वो उलझ जाएगा पूरा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो स्लिप रिंग क्या है, ये स्लिप रिंग, अब तार अगर इसके अंदर रोटेट कर रहा है तो ये उलझेगा नहीं। क्लियर है? और हमेशा याद रखिएगा, एक स्लिप रिंग अगर मान लो पहला स्लिप रिंग को S1 से डिनोट कर रहे हो, दूसरा को S2 से डिनोट कर रहे हो, तो वो मतलब कि जो भी आपका ब्रशेस है, ठीक है, वो एक जैसे मान लो S1 नाम दिया और B1 नाम दिया, तो S1 हमेशा B1 के कांटेक्ट में रहेगा और S2 हमेशा B2 के कांटेक्ट में रहेगा, ये याद रखिएगा, चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? अगर मान लो ब्रशेस, ब्रश का नाम आपने B1 दिया, जैसे मान लो इसका नाम दे दिया B1, ये जो ब्रशेस लगा हुआ इसका नाम दे दिया B1 और इस स्लिप रिंग का नाम दे दिया S1, तो S1 हमेशा B1 से ही कॉन्टेक्ट में रहेगा और S2 हमेशा B2 के ही कॉन्टेक्ट में रहेगा। क्लियर है? ये देखिए एक्सटर्नल रोटेटर वही जो घुमाने वाला मैंने बताया था। आइए फिर और भी बातें जानते हैं इससे रिलेटेड। तो ब्रशेस के बारे में पता चल गया कि ब्रशेस का क्या काम है, रिंग का क्या काम है ना। ब्रशेस का क्या काम होता है, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन द क्या, स्लिप रिंग एंड एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड हमारा ये है ना, ये एक्सटर्नल लोड, यहाँ ब्रशेस लगा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल लोड देखो किससे कनेक्टेड है, ब्रशेस से कनेक्टेड है, और स्लिप रिंग भी किससे कनेक्टेड है, ब्रशेस से। तो ब्रशेस क्या करता है, टू मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्लिप रिंग एंड द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, अब ये तुम स्लिप रिंग का क्या काम है, तो स्लिप रिंग का क्या बोलोगे, सर ये स्लिप रिंग जो है देखो कॉपर, मेड अप ऑफ कॉपर होता है, स्लिप रिंग क्या है, मेड अप ऑफ कॉपर, टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट, कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट बिटवीन द ब्रशेस एंड द आर्मेचर। अब देखो ये स्लिप रिंग क्या है, हमारे ये आर्मेचर, आर्मेचर दो, आर्मेचर ये दो, इससे कॉन्टेक्ट में है ना, ये दो ये आर्मेचर की कॉन्टेक्ट में है ना, ये जो आर्मेचर ऐसे करके गया है ना, ये देखो ये वाला आर्मेचर किससे कॉन्टेक्ट में, H2 से, और ये वाला आर्मेचर किससे कॉन्टेक्ट में, इससे। ठीक है, तो स्लिप रिंग क्या कर रहा है, स्लिप रिंग क्या कर रहा है कि कॉन्टेक्ट बिटवीन ब्रशेस एंड द आर्मेचर कॉइल, ये ब्रशेस लगा हुआ आर्मेचर कॉइल, उसको मेंटेन करने के काम में स्लिप रिंग आता है। ठीक है, और आपका ब्रशेस क्या है, एक्सटर्नल लोड और स्लिप रिंग के बीच में मेंटेन करता है एक रिलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने सारी चीजें देख ली, डायरेक्शन भी देख लिया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से, और हम लोग ने देख लिया ये वाला जो डायग्राम, ये वाला जो बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ कि ये जो है ना ये वन साइकिल होता है, ये कितना होता है, वन साइकिल। तो अगर एक साइकिल हुआ, एक साइकिल हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। एक वेव का मतलब क्या हो गया, वन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे है ना 50 वो बन रहा है, 50 साइकिल बन रहा है, 50 साइकिल, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड में 50 साइकिल बन रहे, कितने बन रहे, 50 साइकिल। 50 साइकिल का मतलब 50 वेव्स बन रहे, 50 वेव्स का मतलब क्या हो गया, 50 हर्ट्ज, आया समझ में। तो मतलब एक सेकेंड में ये 50 बार क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, ये जो होता है ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, और ये होता है नेगेटिव वाला पार्ट। तो मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर मैं दोनों को काउंट करूँ तो 100 टाइम्स नहीं होगी, ये 50 बार, ये 50 होंगे, ये 50 होंगे, 100 टाइम्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, करेंट का जो डायरेक्शन है
करेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 100 times इन 1 second. क्लियर है? 100 times इन 1 second ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि ये 50 cycle है, ये 50 cycle है. तो 50 cycle का मतलब ये भी 50, ये भी 50, है ना? क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव को जब मिलाते हैं तो हमारा वो क्या बनता है, साइकिल बनता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि सर ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है. ये जो इंड्यूस ईएमएफ जो है हमारा, जैसे इंड्यूस करेंट जो बन रहा है, ठीक है, उसका किस फिनोमेनन पे डिपेंड करता है. तो चलिए ये देखते हैं, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ. चलिए यहाँ पे लिखता हूँ इंड्यूस ईएमएफ या करंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. वैल्यू और मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, एक ही बात. डिपेंड्स, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा, वो तो हमें पता है. एरिया ऑफ कॉइल, ये भी एक फैक्टर है. तीसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा तो बढ़ जाएगा. और एक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर टाइम को डिक्रीज कर देता है, मतलब अगर मान लो धीरे धीरे घुमाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना. अगर टाइम को डिक्रीज करना है तो तुम स्पीड में घुमाओगे तो उतना ज्यादा करेंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, डिपेंड कर रहा है. तो टाइम डिक्रीज, ठीक है. तो अब इस फिनोमेनन को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ये स्टैंड फॉर एम, ये स्टैंड फॉर ए, ये स्टैंड फॉर क्या बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टैंड फॉर टी. तो ये डिक्रीज करता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये तीनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ए बी अपॉन टी, है ना. ये इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, बट टाइम तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा तब वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो आप लोगों को मैंने हर एक चीज बारीकी से बताई है, ठीक है, बस वहां पे डायरेक्शन वगैरह है और जो मैग्नीट्यूड वाला जो बताया है, दोनों चीजें अच्छे से देखिएगा और फिर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.